जैगवार कहाँ है? जैगवार, कैसा है तू? अच्छा हूँ भैया। क्या बात है, तूने मेरी गाड़ी और अपनी बॉडी को अच्छी तरह से मेंटेन किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसने सब कुछ मेंटेन करके रखा हुआ है। वो तो इन लड़कों को देखकर ही पता चल रहा है। करीम, कैसा है तू? जैगवार के साथ हूँ भाई, आप दोनों के लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगा भाई। शाबाश। चलो चलते हैं। बस एक मिनट भैया, ले जाके। सब लोग हार पहनाओ। वेलकम भाई। आओ कोटे। वेलकम सरकार। ओहो, शंकर रेड्डी भी आए हैं। वेलकम सरकार। जय सरकार की। अब चले। जय सरकार की। जय सरकार की। जोगी जोगी, भाई के बाहर आते ही हमें भूल गया क्या? उसको छूने का अधिकार सिर्फ उसी को है जो उसके दिल में है। जब वो सिर्फ 6 साल का था तब एक आदमी को छुरी मार दी थी। अब तो वो इतना बड़ा हो गया है, तुझे छोड़ेगा क्या? काट डालेगा। कल रात को मैंने एक इंग्लिश पिक्चर देखी थी। उसका हीरो अपने करीम जैसा था। अच्छा, कौन सी पिक्चर थी? किंग कॉन्ग। अरे क्या उसका दिमाग खड़े हो यार। ए भाई, तूने देखी होगी, वो इंग्लिश पिक्चर है। अरे मैं इंग्लिश पिक्चर बहुत देखता हूँ, तूने तो देखा है ना। इंग्लिश पिक्चर कौन सी वे, मुझे भी देना। ए बिंडा, वो देखता है शूट करने वाली पिक्चर और तू देखता है बुलेट डालने वाली पिक्चर। अपना मुंह बंद रख, समझा ना। समझा इसे। तू क्या समझता है हमने नहीं देखी? है ज़ेब्रा, मैं मैसूर गया था, तेरे बाप से मिला वहाँ। तेरे बाप को बोलकर आया हूँ कि तेरे बेटे को मैं एक काटूंगा। क्या बे, तेरा बाप मैसूर में? मेरा बाप ना इसकी माँ को मार के मैसूर जेल गया था, और तू वहाँ क्या करने गया था? जेल में नहीं गया था, जू में गया था। वहाँ रहने वाला गोरिल्ला ही तेरा बाप है। भाई इसको समझा लो। भैया बहुत जोर की भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दो ना भैया। चल जा। दो ना भैया। चल जाना, दिमाग खराब मत कर, सुबह सुबह मम्मी मेरा पेट भर गया। देखो कोटे, उस जमीन को तुम्हारे आदमियों को अच्छे रेट देकर मैंने खरीदा है, और अभी रेट बढ़ गया ऐसा केस किया है तूने, ये तो गलत है ना? अच्छा एक काम कर, तू अपना केस वापस ले ले, मैं तुझे एक करोड़ रुपए दूंगा। ए, तुझसे भीख मांगने के लिए मैं यहाँ नहीं बैठा हूँ। जमीन हमारी है, कोर्ट में देखेंगे, जमीन तेरा बाप भी नहीं ले सकता। देख भाई कोटे, मेरे पास भी लॉयर्स हैं, कोर्ट के चेहरे के चक्कर में हम दोनों का समय बर्बाद होगा,
मुझे जल्द से जल्द काम को शुरू करना होगा। अगर ऐसा है तो 10 करोड़ निकाल। नहीं कोटे, मेरे लोग आएंगे, तू उनसे ही बात कर लेना। वो कौन है बे जो मेरे एरिया में आकर मेरे से बात करेगा? और कोई नहीं, उधर देख। अच्छा तो ये बुड्ढा? बुड्ढा नहीं, पाप बोल। वहां देख, सही समय पे आ गए हो सरकार। अपनी एंट्री ऐसी होती है, सामने वाले की जबान हलक से बाहर निकल जाती है। अच्छे अच्छे कांप जाते हैं। और कोटे साहब, बहुत नाटक कर रहे हो आजकल। ए, अपने एरिया में जो चाहूंगा वो करूंगा, मेरे से कोई सवाल नहीं कर सकता। कान खोल के सुन ले, अपने एरिया में जैसे रहना है वैसे रह, लेकिन अगर मेरे लड़कों से पंगा लिया ना। ए, तेरी बहुत इज्जत करता हूँ मैं, इसीलिए मेरे काम में टांग मत अड़ा तू। सच बोलने के लिए इज्जत की जरूरत नहीं होती कोटे साहब। जहाँ खड़ा है मेरा एरिया है, मेरे लड़के भी साथ हैं। लड़के तो अपने साथ भी हैं। सरकार जहाँ खड़ा हो जाता है एरिया उसका हो जाता है। भाई हम आपकी इज्जत करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस तरह की बातें करेंगे। आखिर आपका इस जमीन के साथ क्या संबंध है? ए कमल, ज्यादा मत फड़फड़ा नहीं तो काट डालूंगा। मैंने क्या चूड़ियां पहनी है? क्या हुआ सरकार, क्या हंगामा मचा रखा है? आपकी कृपा है साहब जी। वो सब छोड़ो, वैसे जगह अच्छी ढूंढ रखी है क्या रेड्डी? कैसा है? अच्छा हूँ सर। ओ और कोटे तू कैसा है? अच्छा हूँ नेताजी। इतने गुस्से में क्यों बोल रहा है? बैठ जाओ, बात करते हैं। बैठ जा, बैठ जा। ए तू भी बैठ। अरे गुस्सा होने से किसी को कुछ नहीं मिलता। रेड्डी इधर आओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। इलेक्शन के टाइम में ये सब अच्छा नहीं लगता। क्या हुआ रेड्डी, क्या प्रॉब्लम है बताओ? नेताजी देखिए, तुम चुपचाप बैठो, मैं इससे पूछ रहा हूँ, ये बताएगा ना? सर मैंने एक जमीन खरीदी थी। हाँ। रजिस्ट्रेशन होने के बाद 10 करोड़ मांग के तमाशा खड़ा कर रहा है। तुम चुपचाप बैठो। लेकिन मैं इसे 1 करोड़ देने के लिए तैयार हूँ सर, अभी क्या करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए सरकार जी को बोलकर ये डील खत्म करने के लिए मैंने इन सबको यहाँ बुलाया है। देखो कोटे, रेड्डी से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि जमीन ऑलरेडी बिक चुकी है। इसके बाद भी रेड्डी तुम्हें 1 करोड़ देने की बात कर रहा है। पैसे लो और शांत होकर बैठ जाओ। इसके बाद भी तुमने तमाशा खड़ा किया तो सरकार का टारगेट बन सकते हो। क्यों सरकार? जैसा आप कहें साहब जी। नेताजी वो क्या? वो कुछ भी नहीं, रेड्डी वहाँ पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहा है, तू बीच में टांग नहीं अड़ाएगा, समझ गया ना? हाँ ठीक है नेताजी। अब यहाँ क्या बैठा है, जा यहाँ से। ठीक है सरकार, मैं चलता हूँ, इलेक्शन के टाइम पे मुझे लफड़ा नहीं चाहिए। मैं ध्यान रखूंगा। थैंक्स सरकार। अच्छा ठीक है, अब हमारा हिस्सा दे दे। 1 हफ्ते में आपके घर पहुंच जाएगा। ठीक है मैं चलता हूँ, भिजवा देना। ठीक है। ज़ेब्रा कॉलिंग, करीम। करीम रिसीव्ड। और मेडिकल कॉलेज के पास इमरजेंसी है, ओवर। वहीं रहना, जग्गी को लेकर वहीं आता हूँ, ओवर। क्या हुआ बे ज़ेब्रा, कुछ मैटर हो गया? करीम बोल रहा था। हाँ भाई, वो उस कमल के भाई का बेटा है, उसे थोड़ा सा चोक देना है। तेरी तो चोक देने के लिए हम लोग जोकर हैं क्या? पंटर हैं अपन लोग, फाइट वाइट हो तो बता, ये सब नहीं चाहिए। चलो रे भाई 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 भाई, भाई। लड़की का मैटर है भाई, मेरी गर्लफ्रेंड को वो तकलीफ दे रहा है, तुम कुछ करो ना। सुन रहा है बाबू? ऐसा बोलना छोटे, बुला उसे। ए जासन इधर आना। जग्गी सिगरेट। ए अरे इसको अंदर रख। अरे हम लोगों ने तो बचपन से पढ़ाई नहीं की है, तो यहाँ पढ़ने वालों को ऐसे फालतू शौकाई को सिखाने का? ये विद्या देने वाला मंदिर है, वहाँ पर जैसे तू चप्पल बाहर छोड़ के अंदर जाता है ना, वैसे यहाँ पर बुरी आदतों को बाहर छोड़ के आने का। पागल, इसे अंदर रख, ये मेडिकल कॉलेज है, तेरी सर्जरी करके किडनी बेच देंगे। तेरी तो तेरा मैटर आया नहीं अभी।
मुझे क्यों बुलाया है भाई? मैटर आ गया, लगता है इसमें बहुत चर्बी है। किससे बात कर रहा है तुझे पता नहीं है क्या? जैगवार, जैगवार जग्गी, जैगवार वैगवार यहाँ पर कुछ भी नहीं चलने वाला है, समझे? चलो चलते बनो। अबे तेरी तो डायलॉग मार रहा है क्या, बहुत फुदक रहा है ना? हाँ भाई, यही मेरी गर्लफ्रेंड को तंग करता है, कब से धमकी दे रहा हूँ लेकिन ये समझता ही नहीं है। क्यों बे? देखो दोस्त, ये हमारे कॉलेज का कंपाउंड है और हम चाहे यहाँ कुछ भी करें, बाहर से आकर इस तरह हाथ उठाओगे तो ठीक नहीं होगा, समझे? एक बात सुन ले, मोहल्ले की कोई भी लड़की तकलीफ कहकर आई तो सिर्फ कॉलेज का कंपाउंड ही नहीं, पूरे स्टेट के बॉर्डर को भी पार करके मारेंगे तेरे को। ये है यहाँ के लड़कों की पावर, समझा ना? तुझे पता नहीं मेरे छोटे पापा कौन है? छोटे पापा का नाम लेकर इतना उड़ने वाला तू और तेरे जैसे चिल्लर शौक रखने वाला तू इतना रौब दिखा सकता है? तो मैं किसी के बाप की हेल्प लिए बिना अपने दम पर जी रहा हूँ तो मुझ में कितना रौब होगा बे? वो देखो मेरा बॉयफ्रेंड। जाके बोल दे अपने छोटे पापा को जैगवार आया था। क्या बोलेगा? ठीक है मैं बोल दूंगा। आया था कौन है वो? जैगवार चगी है क्या? जैगवार को पसंद है, ऐसी लड़की को सीधे स्वर्ग से आना पड़ेगा, मेरा बॉयफ्रेंड वो है। अच्छा, तो इसलिए सिर्फ राउडी लोग ही तुझे पसंद आते हैं, है ना? मेरा बॉयफ्रेंड राउडी नहीं है। तो फिर क्या है? चुराने वाला स्वीट हार्ट है। ओके। वो ऑरेंज ड्रेस वाली है क्या? वो नहीं है भाई, वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है, अप्सरा है, स्वर्ग से उतरी हुई। वो मुझसे नहीं सेट होगी। वो जो साइड में खड़ी है ना रेड वाली, वो मेरी है। ऑरेंज वाली सही है लेकिन मुझे सेट नहीं होगी। क्या कहा? अब कुछ नहीं यार, तू लाइन मार, मैं साइलेंटली देखूंगा। कहाँ है बे? अरे छोड़ो ना उस लड़के को। क्यों बे? इस कॉलेज में ना सब अपने बाप का ही रौब झाड़ते फिरते हैं। तो करने दे, तेरे बाप का क्या जाता है? भाई जब आप बूढ़े हो जाओगे ना तो आप अपने बच्चों पे कभी बोझ मत बनना। कहाँ से सीखा बे तूने ये सब? कभी कभी आप हमारे साथ नाइट शो जंगली जवानी देखने आ जाइए, वहाँ रात के शो में यही सब दिखाते हैं। तेरी तो भाई, वो देखो हमारा एंटरटेनमेंट आ गया। चलो बंदर की तरह नाच के दिखा। देखो तुम यहाँ दादागिरी मत करो, ये मेरा कॉलेज है, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। कौन सा कॉमेडी पीस है यार ये? किसे देखकर कॉमेडी पीस बोल रहा है? मेरे बॉस का नाम है करण, उसका स्टाइल है डिफरेंट, डील वायलेंट। टोटली बताऊँ तुम्हारे कॉलेज का वही बॉस है, बॉस समझा क्या? ऐसा क्या? अब बोल। बॉस मैं हूँ बॉस, दिमाग ठिकाने पर इन भाई से पूछ लो। चल बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, अभी बताता हूँ। अरे जल्दी चलना, आ रही हूँ बाबा, रुक जाना। प्यारे है राधा मोहन का, प्यारे है मेघा सावन का, प्यारे क्या बात है भाई, भाभी जी को देखकर आपकी आंखों की चमक बढ़ जाती है। प्यारे है एक सजनी साजन का। यार छोटे पापा आजा। क्या हुआ टार्जन, ऐसा क्यों है, चेहरा क्यों लटका हुआ है? कुछ नहीं छोटे पापा, कॉलेज में झगड़ा हुआ है। कौन? अरे तेरे साथ जिसने कॉलेज में झगड़ा किया? कॉलेज में किसी की हिम्मत नहीं है जो मुझसे झगड़ा कर सके। हाँ तो? वो कॉलेज के नहीं, वो सब बाहर के लड़के हैं। कौन है वो लोग? सरकार का लड़का जग्गी। हाँ? कौन? जैगवार जग्गी। तू उससे जरा होशियार रहना, मैं देख लूंगा उसे। अच्छा सुन, तू अभी यहाँ से निकल। ठीक है छोटे पापा। ये सब क्या हुआ? हाँ भाई, वो कोटे के लड़के आए हुए थे, मुझे और जिम के सारे लड़कों को मारकर तमाशा करके चले गए भाई। जब लोमड़ी की मौत आती है तो लोमड़ी शहर की तरफ भागती है, लेकिन मौत उसका पीछा नहीं छोड़ती। समझ गया? ठीक है भाई। कबड्डी 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 कबड्डी। यार बच्चे जैगवार सो के उठ के आ गया क्या? देख कोटे, सरकार वहाँ पे शांत बैठे हैं इसलिए तू कुछ ज्यादा ही फुदक रहा है, लेकिन अभी उन्होंने तुझे टारगेट बना लिया है।
अगर अभी भी तू बाज नहीं आए तो क्या कर लेगा बे? देख, जिम हमारे बॉस के लोगों का है, ये बात सबको पता है, फिर भी तू काई को जिम के पीछे पड़ा हुआ है। अरे ठीक है यार, वो जगह मुझे चाहिए थी, इसीलिए पूछा था, कुछ गलत किया क्या? तुझे इज्जत से चार दिन जीने की इच्छा नहीं है ऐसा लग रहा है। सीधे सीधे बोलता हूँ, साइड में खड़े होकर चुपचाप शो देख, स्क्रीन में आने की कोशिश करेगा ना तो तेरी मौत का शो तुझे ही दिखाना पड़ेगा। ए, उधर हमारे लड़के लोग खड़े हैं, देखा नहीं क्या? उनको जवाब देने के बाद मेरे से सवाल करना। ए, जकी। इधर आ बे, ये देख जिगरा है जिगरा, अगर दम है तो यहाँ आकर दिखा। कबड्डी 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 कबड्डी। कबड्डी 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 कबड्डी। ए, छोड़ना मत उन्हें, छोड़ना मत, सबको उठा के फेंक दे। बहुत बढ़िया कबड्डी। देख रहा उसे ऐसे घूर रहे जैसे खा जाएगा हमें। कबड्डी 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 कबड्डी। कबड्डी 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 कबड्डी
नमस्ते भाई। भाई वो सरकार जो है जहां देखो वहां अपनी टांग घुसाए हुए है, और जब से वो जैगवार उससे मिला है वो कुछ ज्यादा ही उड़ रहा है। अगर हमें धंधे में सर उठा के जीना है तो उस सरकार का सर काटना ही होगा। भाई हमने जो जाल बिछाया था वो सरकार के लिए था, लेकिन जो फंसा है वो उसका राइट हैंड है। काट दे उसे। ठीक है भाई। भैया का अच्छी तरह से ख्याल रखना, और सिनप्पा जी को बोलना कि मैंने सारा का सारा काम तमाम कर दिया। प्लान फूटे का था, लेकिन ऑपरेट करने वाला कमल था। उसकी तो ए जगी तू जा कर रहा है? उस कमल को सबक सिखाने। दिवाली मनाऊंगा उसके साथ। वो पीठ के पीछे छुरा घोपने वाले लोग हैं, और हम लोग सामने से वार करते हैं। गुस्से से नहीं, सोच कर मारना उसे। आप सोचते बैठिए, लेकिन मेरे मारे हुए एक एक फटके से अगली बार वो आपको छूने के लिए भी सोचेंगे। अरे आज नहीं है, ये प्रैक्टिकल्स कल होंगे। ओ अच्छा, मुझे तो डाउट है कि यहाँ पर बस आएगी। आ जाएगी, वेट करते हैं। बस नहीं आएगी तो ऑटो से जाएंगे, ठीक है? टाइम भी हो रहा है ना। ठीक है। यहाँ तो एक ऑटो भी नहीं दिख रहा, लेट भी हो रहा है।
दो मिनट वेट करते हैं, बस आ जाएगी। ऑटो। कहाँ जाना है मैडम? आरवी कॉलेज। चलोगे ना? हाँ चलूंगा। पिछली बार फंड सैंक्शन किया था ना, अब क्या हो गया? वो क्या है ना नेताजी की, ये क्या है सरकार, पूरे एरिया में तेरी ही चर्चा हो रही है। अब काम ही ऐसा किया है, लोग तो चर्चा करेंगे ही, उसी के लिए तो ये मीटिंग रखी है। आप काम बताइए। क्या सरकार, सुना है कोटे का काम तमाम करने वाले हो, क्या ये सच है? सच है, वो हमारी जान लेने वाला था, अब हम उसकी जान ले लेंगे। लेकिन सरकार। देखिए साहब जी, ऐसे मामले में अगर एक बार सोच लिया ना तो सोच मरती नहीं है, इसलिए उसे मार देना चाहिए। देखो सरकार, घुमा फिराकर बात मत करो, इस इलेक्शन के समय में तुम्हारी तरफ से कोई तमाशा नहीं होना चाहिए। जीत कर कुर्सी पर बैठने के लिए मुझे सूली पर चढ़ाएंगे आप? देखो सरकार, अगर तुम कहो तो मैं कोटे से बात कर सकता हूँ। बिल्कुल नहीं साहब जी, आप बात मत कीजिए, जिसने हम पर हाथ डाला है उसे जलाना ही होगा। क्या सरकार, मेरी क्या कोई इज्जत नहीं है? आपकी इज्जत है, इसलिए यहाँ तक आया हूँ। देखो सरकार, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, कोटे का पीछा छोड़ दो। जग्गे, सरकार ने एक बार बोल दिया तो हाँ में हाँ मिलाने का, ज्यादा बहस नहीं करने का। ए स्टूपिड रास्कल, कौन है वे तू? एक मामूली चमचे की औकात ही क्या है, तू मुझसे इस तरह बात करेगा? ए साहब जी, वो पीछे से वार करने वाला नहीं है, सामने से काटने वाला है। जितनी बात होनी थी हो गई, अब मैं चलता हूँ। सुनो सरकार, मेरे सपोर्ट के बिना तुम जिंदा नहीं रह सकते। ए साहब जी, ऐसे पावर की जरूरत होती तो इलेक्शन में खड़ा हो जाता, आपको सपोर्ट नहीं करूंगा। सरकार, 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 मेरी बात सुनो। अब क्यों वापस आया तू? सरकार को तेरे पे गुस्सा आ गया है, अब से तेरा बुरा टाइम शुरू। भाई, सबरीमलाई से सामान आ रहा है, उस कोटे स्वामी की कहानी क्लोज। स्वामी तेरी माया अपार, सब सुनाई दे रहा है। चलो सब हो गया, भगवान के दर्शन भी हो गए। हाँ भैया। अब तो सिर्फ दुश्मन की जान लेनी बाकी है। छे, क्यों क्या हो गया? सरकार,
कोटे भाग गया है। अभी ए, ए, ए जग्गे आराम से बैठ जा। नहीं मैं जा रहा हूं भैया। ए अरे क्या यार, इसी समय बताना था उसे, तू भी ना। अब तुम्हें हर बात समझानी पड़ेगी क्या? इन छोटी छोटी सी बातों के लिए मैं कहां तक दौड़ता फिरूंगा? हाँ मिलकर मामला निपटा। तो, हाँ वन सेकेंड, आप रेवंकर शेट्टी हो ना? यस सर। प्लीज सिट डाउन। नीलकंठ जब मैंने रिपोर्ट तैयार की थी तभी आपसे मिलने के लिए आपके पीए से कांटेक्ट किया था, इसलिए वो मुझे पता चला कि यहाँ पर पोस्टिंग के लिए आप बहुत इंटरेस्टेड हैं, इसलिए मैंने खुद बात करके सिफारिश करके आपकी पोस्टिंग यहाँ पर करवा दी। थैंक यू सर। थैंक्स मुझे नहीं चाहिए शेट्टी, मुझे तो बस काम चाहिए काम। सर आपको मुझसे जो भी काम हो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं तुरंत करवा दूंगा। आप यहाँ काम करने आए हैं इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन आपकी वजह से एक आदमी को बहुत दुख होना चाहिए। और वो कौन है? वो है सरकार। सरकार? हाँ सरकार। ये नाम सिर्फ तुम्हारे थाने की फाइल में होना चाहिए, विधानसभा नहीं पहुंचना चाहिए। सर वो तो वैसे ही एक सड़क छाप गुंडा है सर, वो इलेक्शन में कैसे जीतेगा सर? भले ही सड़क छाप गुंडा है लेकिन वो सड़क छाप गुंडा ही आज का लीडर है, चांसेस है शेट्टी। नीलकंठ सर इसकी क्या जरूरत थी सर? है नई जगह है, घूमिए सर। हाँ आपकी रहम दिली के बारे में बहुत कुछ सुना था लेकिन इसकी क्या? नो फॉर्मेलिटीज, मैं दे रहा हूँ ना, आप लीजिए नो प्रॉब्लम। आप इतना फोर्स कर रहे हैं तो रख लेता हूँ। सर बहुत जल्द खुशखबरी मिलेगी आपको। इंस्पेक्टर एक बात का ध्यान रखिएगा, इस सरकार के लिए सुख शांति एक सपना होना चाहिए। ओके यस सर। सरकार सरकार नमस्ते, पहाड़ चढ़ने के लिए रेडी हो जाइए, टिकट कंफर्म हो गया है। मनोजवम मारतुल वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम बातात्मजम वानर यूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। हाँ आरती लीजिए। हर्षितम केशवम राम नारायणम आपका भला हो। कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। नमस्ते। मुबारक हो। शुक्रिया। अपनी बातों से लोगों का दिल जीतने वाला सरकार और अब सबके दिल पे राज करने वाला सूरी, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस। करने वाला मैं नहीं वो है, वो सब तो ठीक है लेकिन रेडी कहाँ है? वो एक अर्जेंट मीटिंग के लिए मुंबई गया हुआ है, बहुत जल्द वो आ जाएगा, तब तक हम लोग अपना काम खत्म करते हैं। ठीक है चलते हैं। एक मिनट, ओए पटाखे जलाओ। बहुमत किसको मिलना चाहिए? सूरी भाई को। 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 ट्विंकल ट्विंकल रिश्ता सूरी भाई से सुपर स्टार। ट्विंकल ट्विंकल रिश्ता सूरी भाई से सुपर स्टार। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सूरी भाई से सुपर स्टार। सूरी भाई की ये सब मेरा काम है भाई। पूरी भाई शुक्रिया भाई। नमस्ते। हाँ ठीक है, आपको किससे मिलना है? पब्लिक का सपोर्ट से अपना अधिकार चलाने वाला सरकार, जिसने ये नाम रखा ना वो क्रिमिनल चाहिए। ए सुन, इस दुनिया में जितने भी क्रिमिनल है ना सब कोई ना कोई क्राइम करके यहाँ तक पहुँचे हैं। सरकार
लोग तुझे ही बोलते हैं क्या? नाम सूरी है। डरने वाले बुलेट बुलाते हैं और मदद मांगने वाले सरकार। सूरी मतलब बुलेट, उर्फ सरकार। तू ही खड़ा हो रहा है क्या इलेक्शन में? ए, हाथ पर तोड़ने वाले तुम गुंडों को हाथ जोड़ने वाला काम क्यों चाहिए? कानून की रखवाली करने वाले किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं। बेहतर होगा कि हम सब भूल जाएं और आम जनता की रखवाली करें। सरकार अपनी हद में रह। वो तो जनता की वजह से मैं हद में हूं, वरना मैं अब तक तेरा गेम बजा चुका होता। तू इलेक्शन में खड़ा नहीं होगा, अगर खड़ा होगा तो जीतेगा नहीं। ये तेरी गन नहीं है इंस्पेक्टर, ये सरकारी गन है। अगर इससे खून हो गया तो हजार सवाल खड़े होंगे। चल अंदर रखते। तुझे मेरे बारे में ठीक से पता नहीं है। मेरा नाम है रिवांकर शेट्टी। 6 सालों की सर्विस में 45 इनकाउंटर और 6 ट्रांसफर हो चुके हैं। और तुझे एक बात बताऊं, दो बार राष्ट्रपति से सोने का मेडल मिल चुका है। ए, आज तक अपनी सर्विस में 45 करोड़ की रिश्वत ली है, लेकिन आज तक कोई भी ये बात प्रूफ नहीं कर पाया है। नाम है सूरी, इस एरिया पर 20 साल से राज कर रहा हूँ। 3 मर्डर और 14 हाफ मर्डर, 15 साल जेल में बिताए। लेकिन तुम्हारे पुलिस डिपार्टमेंट को इतना नहीं पता कि मैंने 8 और मर्डर किए हैं, लेकिन उस केस में एक भी विटनेस नहीं है। और उन 8 लोगों में एक पुलिस इंस्पेक्टर भी था। मौत का डर क्या होता है वो मैं दिखाऊंगा। इस एरिया में जीतना हर किसी के बस की बात नहीं है, और यहां जीतने वाला है ओनली एंड ओनली सरकार। चल निकल यहां से। क्या यार, यहां रोज रोज आके इंतजार करना पड़ता है। जल्दी से प्रपोज करना यार। भाई आ गई तेरी भारती और मेरी आरती। ए, इसकी गाड़ी चेक करो। यस सर। तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो बे? कॉलेज के बाहर क्या करते हैं? सर गाड़ी में हथियार है। इसकी गाड़ी को सीज कर दे। ओके सर। कोई भाग न पाए, पकड़ो इनको। लड़की चाहिए तुम लोगों को? छोड़ दीजिए सर, गाड़ी में डाल इसको। क्या रे, कॉलेज के सामने गुंडों की तरह लड़कियों को लाइन मारने आता है? सरकार को अगर टारगेट करना है तो इस जगवार को अंदर डालना होगा। चल अंदर चल। चल बे। सरकार को फोन लगा लो, वो हमें छुड़ा देंगे। क्या फुदूर कर रहा है? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। तेरी हवा में हवालात में निकालता हूँ। भाई, भाई। ओ बिंडा। भाई वो। बैठ जा। भाई, भाई वो जगवार और ज़ेब्रा को अंदर डाल दिया भाई। क्यों डाल दिया? कार लेकर कॉलेज गए थे, उसमें हथियार मिल गया। इलेक्शन का टाइम है इसलिए अंदर डाल दिया भाई। मैंने कहा था उससे इलेक्शन खत्म होने तक कोई हथियार लेकर नहीं जाएगा, लेकिन सुनते कहा तुम लोग। कॉलेज क्यों गए थे तुम लोग? भाई वो लड़की के लिए। भाई कौन सी लड़की है वो? ऐसा हुआ लेकिन मुझे उस लड़की से मिलना है। सरकार आप क्यों मिलना चाहते हैं? हमारे लड़के लड़कियों की वजह से जेल जाए मुझे पसंद नहीं। ये क्या है? खराब गाड़ी बना तूने।
बनाते हैं। नाम क्या तेरा? कीर्ति। कीर्ति। कीर्ति, तुम्हारा और जैगवार का क्या रिश्ता है? मेरे भाई जैगवार को पसंद करती हो क्या? पसंद तो है, लेकिन उससे डर लगता है मुझे। उसके साथ रही तो पता नहीं फ्यूचर कैसा होगा। डरती क्यों हो बेटी? प्यार किया तो डरना क्या? लेकिन सरकार वो सरकार, बहुत टाइम हो गया, अब चलना चाहिए। सीधे पुलिस स्टेशन। नमस्ते भाई। हाँ हाँ नमस्ते। ए, अभी तक यहीं हो? क्या हो गया तुम लोगों को? कॉलेज क्यों नहीं गए अब तक? ए, डरने की कोई जरूरत नहीं है, जो होगा संभाल लेंगे। जंग में जाने वाले योद्धा की तरह इसे बिल्डअप देने की क्या जरूरत है? प्यार करने वाला हर एक आदमी योद्धा होता है, प्यार के लिए लड़ते रहना चाहिए। तुझे अब तक प्यार नहीं हुआ, इसीलिए तेरी समझ में नहीं आने वाला। ठीक है भैया, मैं चलता हूँ, लेकिन आपको जिम से घर छोड़ के ही जाऊंगा। कोई जरूरत नहीं है। देखो तुम सब लोग मंदिर जाके पूजा करने के बाद कॉलेज जाना, ठीक है? ठीक है भाई, मैं बाबू को लेके जाता हूँ। सही कह रहा भाई, बाकी सबको यहीं रहने दो। तू ये क्या कह रहा है भैया? वो देख, ये यहाँ रुक कर करेगा क्या? मेरे साथ जिम जाएगा, और तू ज्यादा मत सोच, कॉलेज जा। इसकी गर्लफ्रेंड के साथ मेरी भी गर्लफ्रेंड रहेगी भाई, अगर वो मुझे नहीं देखेगी तो परेशान हो जाएगी। ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं भाई के साथ जिम चला जाता हूँ। प्यार व्यार छोड़ दे, वो तेरे बस का नहीं है। एक काम कर, जाके टी शर्ट और शूज लेकर आ जा, जल्दी जा। चले आए प्यार करने वाले, तेरी तो। चल तू जा। ठीक है भैया। ए इधर आ, इस हालत में जाएगा तू? ए लड़की से मिलने जा रहा है, अच्छे कपड़े पहन के जा। ए जाके चेंज करवा जा, चल चल जा। ठीक है भैया। ए तू क्यों चेंज करने जा रहा है भाई? वो मुझे भी एक लड़की सेट हो गई है भाई। यार हो गया भाई, वो भी लड़की से? भाई तोड़ दे रिश्ता। कैसे कैसों को लड़कियां मिल जाती हैं आजकल। हे माँ, आज तक मैंने तेरे पास कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन अभी मैं अपने प्यार के लिए आया हूँ। मेरा प्यार मुझे मिल जाए, ऐसी कृपा कर देना माँ। महालक्ष्मी नमोस्तुते, आद्यंतरहिते देवी आदिशक्ति महेश्वरी, सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणी नमोस्तुते। अब जाकर अपने प्यार को बोल दे जग्गी, वो लड़की सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे आएगी। जय बजरंगबली। सबका मालिक ऊपर है, लेकिन अंदर डर है। कैसे बताऊं, समझ में नहीं आ रहा है यार। जग्गी, तेरी हीरोइन आ रही है। जग्गे, अब देर मत कर, जल्दी जा 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 जा। ए, अभी नहीं यार, थोड़ी देर के बाद चला जाऊंगा, बहुत डर लग रहा है मेरे को। अरे जा, 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 जा। अबे तू ऐसे डरता रहेगा तो कोई और जगह चला जाएगा उसे। हाँ बोल ज़िब्रा। नहीं अपनी
मजबूरी कैसे मैं समझाऊं अपनी है सच्चाई कैसे मैं बतलाऊं चाहूंगा उम्र भर तुम ही हो जिंदगी भाई हमें छोड़ कब चले गए जक्की सबके आंसू पोंछने वाला तू ही ऐसे रोएगा तो भैया मेरे भैया को मिट्टी में मिलाने वाले को इस दुनिया में जीने का हक नहीं है। हेलो मैम, हाय। बैग मुझे दीजिए। मैम बैग नहीं, रहने दो। ओके, चलती हो रागिनी। यार तू उसका इंतजार तो कर सकती थी ना। स्टेशन से ट्रेन निकल जाए तो कितना भी बुला लो वापस नहीं आती। जिंदगी भी ऐसी है, मेरे प्यार की ट्रेन सही पटरी पर नहीं चल पाई। बाय कीर्ति। हूँ। आंख से बहते हुए आंसू को तू चश्मे से छिपा तो सकती है, लेकिन जो प्यार तेरी आंखों में है उसे नहीं छिपा सकती है। तू अपने प्यार को खुद मार रही है कीर्ति। वैसे एक बात बोलूं रागिनी, तू डायलॉग अच्छा मारती है। बाय। अगर वो आके तेरा नंबर मांगे तो दे दूं उसे? वो नहीं आएगा। अगर आया तो? क्यों लेकर आए हो? एक डील करने के लिए। कौन सी डील? तू क्या बोल रहा है जग्गी? क्यों बे? मेरे भैया सरकार की मौत का कारण कौन है? मुझे नहीं पता। बोल रहे। देख जग्गी, जो तू कर रहा अच्छा नहीं कर रहा जग्गी। बोलेगा या मरेगा? अगर तू मुझे मार दोगे तो तुम में से कोई नहीं बचेगा। मुझ पे बहुत से लोगों का सपोर्ट है, अगर मैंने एक कॉल कर दिया ना। अच्छा, ऐसा क्या? ये ले। चल ले ले फोन। फोन कर। किसको फोन करके बोलेगा तू? किसको फोन करके पैर पड़ेगा? पढ़, अभी आधे मिनट के अंदर तेरी यमराज के साथ मीटिंग फिक्स हो गई है। Please call out sometime.
मौत की सील जब माथे पर लग जाती है ना, तो मदद के सारे रास्ते स्विच ऑफ हो जाते हैं। जग्गी, नहीं जग्गी, सही नहीं कर रहा है। सुन, तेरे से जिसने ये काम करवाया उसमें से तेरी मदद करने कोई भी नहीं आएगा। चल बोल, सरकार को मारने के लिए किसने सुपारी दी थी तेरे को? वो सुभाष नगर का बुशनाथ, गांधीनगर का मंजा कपिल, और आनंद नगर का किट्टी। ए, तुझे ऑपरेशन करने के लिए जिसने परमिशन दी उसका नाम मत बता। जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन करवाया उसका नाम बता। वो बोल बे। इंस्पेक्टर शेट्टी। शेट्टी। और उसको सुपारी देने वाला कोटे था? मुझे नहीं पता, पैसे देगा इसलिए हमने भाई को टपका दिया। पैसों के लालच में गलती हो गई जग्गी। छोड़ दो जग्गी, मुझे जाने दो, मैं चला जाऊंगा। जग्गी जाने दो मुझे। बाबू, भैया को जिन चार लड़कों ने मारा है उनको ढूंढ के निकाल। जग्गी, शेट्टी को पकड़ेंगे तो पता चलेगा। उससे पहले अपने बिंडा को फोन कर, उस शेट्टी के लिए हमारे अड्डे पर एक सीट रेडी करने के लिए बोल। ये ठीक नहीं किया तूने। सही और गलत देखने वाला सरकार नहीं आया है। जैगवार। चल, चल। जग्गी, तू मुझे मार नहीं सकता। तुझे तो यहीं पे दफनाऊंगा। जग्गी, जज्बाती मत बन। ए, वो गन मेरी है, वापस दे दे मुझे। ये सही नहीं कर रहा है तू। अगर नसीब ठीक ना हो ना, तो हमारी गन हम पे ही निशाना करती है शट्टे। जग्गी, क्या चाहिए तुझे? बदला। जो मेरा सब कुछ था उस सरकार को तुम लोगों ने मार दिया। तुम सबसे बदला चाहता हूं मैं। बता, उन चारों को कहां भेजा है? कौन चार लोग? मुझे नहीं पता है। लिस्ट में लास्ट नंबर पे तेरा नाम है, उसे फर्स्ट नंबर पे मतला। चल बोल शेट्टी। जग्गी, वो चारों लोग कहाँ गए मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन उन लोगों को रामनाथ ने कहीं छुपाया हुआ है। रामनाथ? मुझे बस इतना ही पता है। ए, कौन है बे ये रामनाथ? वो होबली का बहुत बड़ा माफिया है। मुझे छोड़ दे जग्गी, छोड़ दे मुझे। कोटे कहाँ पर है? उसके साथ ही है क्या? कोटे के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, उसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं था। तेरी बात का मतलब क्या है? तेरे साथ डील करने वाला कोटे ही था ना? नहीं। तो फिर कौन? कौन है बोल कमीने? ये तूने क्या किया बिंडा? मुझे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था जग्गी। बाबू। हाँ जग्गी। जल्दी से गाड़ी रेडी कर, हमें हुबली निकलना है। जग्गी, जग्गी, जग्गी,
की नहीं तो... करीम, पहले हॉस्पिटल चलते हैं। जग्गी यार, उन कमीनों के लिए हथियार लेकर जाने की क्या जरूरत थी? अगर वो सब मुझे मिल गया ना, उनके हाथ पर काट दूंगा। बोतल से मारा है ना उन्होंने। मैं हथियार लेकर उन भगड़ों के लिए नहीं भागा था, और मुझ पे बोतल मारने वाले भी वो लोग नहीं थे। फिर कौन थे वो? सरकार का खून करने वाले वो चार जन थे। क्या? हाँ, वो चारों लोग उसी ढाबे पर थे। देख जग्गी आ गया। जग्गी तू थोड़ा आराम कर ले। ठीक है बाबू, चल रहे। जग्गी हम थोड़ा दवाई पी कर आते हैं। सॉरी, लेकर आते हैं। हाँ क्या हुआ? हाँ बोल तो कुचल दे। कृष्णा, कैसी हो डॉक्टर साहिबा? उस दिन जब तुम मुझे छोड़कर चले गए तो मेरी लाइफ बहुत ही ज्यादा बोरिंग सी हो गई थी, लेकिन अभी तो ठीक है। कीर्ति वो रहने दो, ये कैसे हुआ? कुछ नहीं, एक छोटा सा झगड़ा हो गया था। हाँ झगड़ा हुआ, कैसे? अब कैसा लग रहा है? अभी भी बहुत दर्द है क्या? थोड़ा सा है। अब ये दर्द जल्दी ठीक हो जाएगा। कीर्ति, वो पेशेंट तो कब के चले गए? कहाँ चला गया? पता नहीं, आधे घंटे पहले मुझे लेटर देके चले गए। अभी तो यही था यार। अच्छा ठीक है दे। भाई भाई क्या रे, क्या बात है, तू ऐसे घबरा क्यों रहा है? सरकार के छोकरे लोग हैं भाई, वो लोग गोडाउन के अंदर घुस गए हैं। सरकार के छोकरे? हाँ भाई। ए हनुमंत को फोन करो। रुक जाओ, उसी का फोन आया है। बोल बे हनुमंत। भाई सरकार के छोकरे गोडाउन में घुसकर धमकी दे रहे हैं, आपको भी ढूंढ रहे हैं, जल्दी आ जाइए भाई, जल्दी आ जाइए। ए मैं अभी आ रहा हूँ। हमारे गोडाउन में आकर हम ही को धमकी दे रहा है। ए चलो सब लोग। कौन हो तुम लोग? इसकी तो उस दिन तुम हॉस्पिटल से क्यों चले गए? तू यहाँ पर क्या कर रही है? ये मेरे चाचा जी का घर है। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सरकार को मार दिया गया है। और उनको जिन लोगों ने मारा है उनको ढूंढते हुए यहाँ पे आया हूँ। सरकार को मार दिया गया है? इसमें तुम्हारे चाचा का हाथ है। उनकी आखिरी इच्छा क्या थी तुम्हें पता है? जैगुआर एक गुंडा है ना? जग्गी को जैगुआर बनाया और किसी ने नहीं, समाज ने। इस समाज के असली चेहरे को उसने बचपन में ही देख लिया था। उस उम्र में जो उसे प्यार मिलना चाहिए था वो उसे नहीं मिला, जिसकी वजह से जग्गी समाज के खिलाफ हो गया। तुम गुंडे जैगुआर के बारे में जानती हो, लेकिन तुम जग्गी को नहीं जानती जो वो असलियत में है। ये तब की बात है जब वो Thank you.
रहे। तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? मुझे सब पता है। तुम लोग मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें काम दिलाता हूं। क्या यही है रहीम के खूनी? दूध पीने की उम्र है इसकी। और भैया जी, एक मिनट, आपको हमारे बारे में कुछ पता नहीं है। ठीक है, उसका खून क्यों किया तुमने? अम्मी! 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 अब बोलिए भैया, हमने जो कुछ भी किया वो गलत था क्या? तुम्हारी गलत और सही समझने की उम्र नहीं है, दोबारा गलती नहीं करोगे, ध्यान रखना। क्यों, क्या हो गया तुझे? वो क्या है ना भैया, मेरी माँ के अलावा मेरे कंधे पर कभी किसी ने हाथ नहीं रखा, इसलिए आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। ए हीरो, रामायण में राम दशरथ की वजह से वनवास गए थे, लेकिन यहाँ पर जग्गी सरकार का इतना चहेता बन गया कि सरकार ने अपना साम्राज्य जग्गी को सौंप दिया और खुद दशरथ बनकर जेल चला गया। और कैसा है तू? अच्छा हूँ सरकार। इसे लेकर क्यों आया? हमारा जग्गी आपको देखने की जिद कर रहा था सरकार, इसीलिए इसे लेकर आया। क्या ये सच है? हाँ भैया, आपके जाने से मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। आज के बाद मैं हर वक्त तेरे साथ रहूंगा। ठीक है। और सुन जग्गी, मेरा साम्राज्य अब से तू संभालेगा। ठीक है भैया। देखो, इसका ध्यान रखना। जी बिल्कुल सरकार। चलो टाइम खत्म, अब जाओ तुम लोग। ठीक है। अभी जैगवार सबकी नजरों में जानवर बन गया है, उसे इंसान बनाने की शक्ति सिर्फ तुम में है। उसे इंसान बनाओगी या फिर जानवर, फैसला तुम्हारा है। अंकल, वो जग्गी मुझे बहुत पसंद है। मुझे भी मम्मी डैडी का प्यार नहीं मिला, अपने चाचा के साथ पली बड़ी हूँ और वो मुझसे प्यार नहीं करते। जब से मैंने होश संभाला है वो तो मेरे साथ रहे भी नहीं है। अगर जग्गी का बचपन भी ऐसा था तो मैं उसके साथ ही रहूंगी अंकल। उसे सब कुछ छोड़ने के लिए कहिए, अब से मैं उसे संभालूंगी। ठीक है बेटी, मैं उससे बात करता हूँ। लेकिन अंकल, आज के बाद मेरी आजादी खत्म हो जाएगी। कल मेरा एग्जाम खत्म होने के बाद मुझे अपने चाचा जी के घर जाना होगा, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाना चाहती। जग्गी अगर ये गुंडागर्दी छोड़कर मेरे सामने अपने प्यार का इजहार करे तो मैं उसे यहाँ से बहुत दूर ले जाऊंगी अंकल। मैं भी यही चाहूंगा, कल सुबह मेरा जग्गी तुम्हारे पास आ जाएगा। इतने सालों से मैंने उससे जो कहा उसने सब माना, वो मेरी बात नहीं टालेगा। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों की जिंदगी बहुत अच्छी हो, आज के बाद सब खुश रहेंगे। देखो बेटी, हमारा जगुआर, सॉरी आई मीन जग्गी, थोड़ा सा गुस्से वाला है, इसलिए तुम उस पर नाराज मत होना, उसे कंट्रोल करना। ठीक है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो आई एम देयर, ओके? हमेशा खुश रहो। अब तुम्हें ये सब कुछ छोड़ना होगा। देखो, बात करके कोई फायदा नहीं है। मैं यहाँ पर मेरे सरकार का जिसने खून किया है उसे मारने के लिए आया हूँ। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि सरकार को मारने वाला और कोई नहीं, तुम्हारा चाचा है। मैं भी तुमसे प्यार करता था, अभी भी करता हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ आ जाओ ये बात छोड़कर और कुछ भी मुझसे मांग लो। ऐसा है तो ठीक है, तुम मेरा साथ नहीं दे रहे हो, लेकिन जिस चाचा ने मुझे सहारा दिया उन्हें कुछ मत करना।
प्लीज मुझे फिर से अनाथ मत करना, मेरे लिए बस इतना कर दो प्लीज। ठीक है, ऐसा ही होगा, मैं बाकी का काम खत्म करके चला जाऊंगा, लेकिन तुमको अनाथ नहीं करूंगा। सुपारी किसने दी थी, कुमार ने या कोटे ने? कौन है वो, कौन है बोल? हमें नहीं पता भाई, हमें छोड़ दो भाई। बोल। हमें नहीं पता भाई, हमें कुछ नहीं पता। बोल कौन है वो? जल्दी बताओ। भाई हमें नहीं पता। मैं मंचा बोल। हमें छोड़ दो। भाई हमें सुपारी देने वाला, अगर सच बताएगा तो 4 मिनट ज्यादा जिएगा, नहीं तो 4 सेकंड में ही मर जाएगा। बोल कौन है वो, बोल बोल। शंकर रेड्डी भाई। शंकर रेड्डी? हाँ भाई, हमें सुपारी देने वाला वही था। ये शंकर रेड्डी रामनाथ का चेला है, इससे हमारी कोई गलती नहीं है भाई, हमें छोड़ दो भाई प्लीज भाई, भाई हमें छोड़ दो भाई, सिर्फ एक मौका दे दो, आगे से कभी ऐसा नहीं करेंगे। गन में बुलेट लोड हो गई है और यहाँ रहने वाली बुलेट जल चुकी है, पी हुई 90 के केक उतरने से पहले तुम लोग नरक में पहुँच जाओगे। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। जब डील हो रही है तो आइटम से क्यों बात कर रहा है? नहीं वो थोड़ा सीरियस मैटर है। तलवार पकड़ने वाले के लिए लड़की का पागलपन नहीं होना चाहिए, लड़की की चाहत हो लेकिन ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अगर ज्यादा हो गई तो किसी के भी जाल में फंस सकता है, तो होशियार रहे। जगी, उन चारों की कहानी तो खत्म हो गई, अब क्या? शंकर रेड्डी। शंकर रेड्डी? नहीं जगी, उसे यहाँ पर मारना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये उसका इलाका है। क्यों बे बिंडा, भूल गया क्या? इसी गांव की रोटी खाकर मजबूत हुए और उस कमीने का खून करके भागे थे ना, तो अभी उस कमीने को मारने के लिए संकोच का ही भाषा छोड़ दिए, लेकिन यहाँ के मिट्टी की ताकत अभी बाकी है। जगी वो बातचीत बहुत हो गई। बाबू करीम, कल तुम लोग दोनों मेरे साथ आना। और मैं? इस फील्ड में जो डर कर पीठ दिखाता है उसको दोबारा गन नहीं छूनी चाहिए, तू यहीं पर रह, हम तीनों जाकर उसको खत्म करके आएंगे। ठीक है बाबू, कल वो रेड्डी कहाँ है उसकी पक्की इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए। ठीक है जगी। शंकर रेड्डी, बाबू करीम, तुम दोनों जाकर गाड़ी की नंबर प्लेट चेंज करके आ जाओ। बिंडा हाँ, तू जाके खाना लेके आ। हाँ ठीक है। आ, 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 आ,
नमस्कार भाई। नमस्कार भाई। भाई। नमस्कार भाई। क्या हुआ जगवार? बहुत फड़फड़ा रहा था, कहाँ गया तेरा सारा जोश? एक बार मेरे हाथ खोल दे, फिर दिखाता हूँ। ऐसा पंच मारूंगा कि हलक से आवाज नहीं निकल पाएगी, समझा? ए छोटे, हम यहाँ पर तेरा मर्डर करने के लिए लेकर आए हैं, और तेरे कहने पर तेरे हाथ पैर खोलकर तेरी कॉमेडी देखें, हमें तूने जोकर समझ रखा है? मैं तेरा खून नहीं करूंगा, ये मैंने किसी को वचन दिया है। ओ, वचन दिया है? हे ए छोटे, उबले उबले की मिर्ची हूं मैं। मैं भी यहीं की मिट्टी में पैदा हुआ हूँ, और ये मर्द इसी शहर का बेटा है, समझा? तू दुश्मन की छाती पे बैठ के शेर की तरह बड़ा हुआ हूँ। छोटे, बहुत सुन ली तेरी बकवास, अब तेरा मुंह बंद करना ही पड़ेगा। सरकार को जिसने मारा उसे मार के मैंने अपना बदला ले लिया, अब मेरी कोई इच्छा बाकी नहीं है। अगर तू मेरा खून करना चाहता है तो आराम से कर सकता है, कुछ नहीं बोलूंगा। लगता है तूने पूरी पिक्चर अभी नहीं देखी है छोटे। क्या बोल रहा है तू? सरकार की मौत कैसे हुई, किसने की, तुझे कुछ भी नहीं पता है ना? वैसे भी तू मरने ही वाला है, तो सुन के मर जा। नमस्ते सर। आओ शंकर, बैठो। क्या बात है शंकर? बात ऐसी है कि सरकार को हफ्ता दे देकर बहुत तकलीफ हो रही है, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे पास जो भी बचा खुचा पैसा था वो मैंने पार्टी फंड में जमा कर दिया है। सुनो, मैं जो बोलूंगा तुम उसे मानोगे? नमस्ते सरकार। रेड्डी, आ बैठ जा। क्या हुआ, नोटों का पीछा छोड़कर आज इस गुंडे के पास आ गए? क्या कह रहे हैं सरकार, आप गुंडे थोड़े ही हो। लेकिन बाहर तो यही बात चल रही है। सरकार, आपके सर पर गुंडे नहीं गांधी की टोपी डालने आया हूँ मैं। आखिर तेरा मतलब क्या है? क्या कहना चाहता है, साफ साफ बोल। मतलब ये कि सरकार, आप इलेक्शन में क्यों नहीं खड़े होते? हम लोग सरकार हिलाते हैं, चलाते नहीं है। सरकार, आप कब तक उन कुर्सियों के नीचे ऐसे ही बैठे रहेंगे? अब वक्त आ गया है कि आप ऊपर बैठे, क्योंकि उसके बाद कुर्सी हिलाने वाला कोई भी मर्द नहीं रहेगा। बैठना तो हम भी चाहते हैं, लेकिन मौका कौन देगा हमें? मिलेगा सरकार। कौन देगा? विश्वनाथ, वार्ड नंबर 12 का कारपोरेटर है, उसके पास हाई लेवल कॉन्टैक्ट्स हैं, और उसने पैसे भी बहुत कमा रखे हैं, उसी से ही बात कर लो। हेलो, एक मिनट। क्या कहते हैं? समझ गया सरकार, चलता हूं। ठीक है। आखिर बात क्या है सर, फोन क्यों किया आपने? बात यह है शंकर कि यह सरकार इलेक्शन जीतने के बाद जब पैसों की जरूरत पड़ेगी तो वो मेरी बात नहीं सुनेगा, वो पैसों के लिए तुम पर दबाव डालेगा। क्यों सर, आप अभी से ये सब सोचने लगे? सोचना पड़ता है शंकर, कल प्रॉब्लम होगी ये जानने के बाद भी अगर हम खामोश बैठेंगे तो वो हमारे लिए भी कांटा बन सकता है। करना क्या है सोचा है आपने? सरकार को अब मरना होगा। ठीक है सर, और ये काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। और सुनो, इसका इल्जाम हम पर नहीं लगना चाहिए, इसीलिए इस काम के लिए तुम किसी बाहर के लड़के को तैयार करो। ठीक है सर। उस सरकार की गैंग में किसी ऐसे लड़के की तलाश करो जिसकी कोई कमजोरी हो। ऐसा कोई नहीं है सर कि जो बिक सके। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है शंकर जिसकी कोई कमजोरी नहीं। ढूंढो, ऑफर देंगे, अगर मान गया तो ठीक है, और अगर वो नहीं माना तो उसे ऑफ कर देंगे। नमस्ते बॉस। नमस्ते। ए सुबू, हाँ इधर आ। क्या हुआ भाई? कौन है ये? नया एडमिशन है भाई। ओ, तू कहाँ रहता है? इधर ही सर, पास में ही।
ठीक है, इसका काम खत्म करके इसे जल्दी भेज देना। ठीक है भाई। और सुन, अब किसी को लेकर नहीं आना, जा अंदर ले जा। ए, मोबाइल में खेलना बंद कर और जाके कसरत कर। ए, मैं तुझसे कह रहा हूँ, अब जा जल्दी। जा। सरकार को टपकाने का ये सही टाइम है क्या? नहीं, चलो। हाँ ठीक है। भाई मेरी गर्लफ्रेंड का फोन आ रहा है। चल जा। हेलो। हाँ हेलो हेलो चक्की। बोल बे ज़िब्रा। सरकार को मार दिया बे। निकलो यहाँ से, चलो। तेरे सरकार को जिसने मारा वो मैं ही था, अब तुझे टपकाने में बहुत मजा आएगा। ए रामनाथ, मैं तेरा खून नहीं करूंगा, ऐसा मैंने अपनी प्रेमिका से वादा किया था, लेकिन अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ओ, कीर्ति का पीछा करने वाला तू ही है क्या? आजकल में तू उससे मिला है? कीर्ति मेरी लवर है, मैं जीऊंगा तो उसी के साथ, मरूंगा तो उसी के साथ। उसके साथ जीने के लिए, उसके साथ शादी करने के लिए तुझे जिंदा रहना पड़ेगा ना, तो तुझे बचाएगा कौन रे? तू पहले खुद को बचाने की सोच, फिर मुझे मारने के बारे में सोचना। अगर एक बार खत्म करने का फैसला कर लिया तो खत्म कर देना चाहिए, बातचीत नहीं करनी चाहिए, वरना। क्यों है? ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस किसी के बारे में सोच रही थी। कौन है वो? उसका नाम मेरे दिल में छुपा हुआ है और शायद जुबान पर नहीं आएगा। मैडम जी। हाँ? परसों जग्गी नाम का पेशेंट एडमिट हुआ था ना? हाँ। उन्हें ढूंढने के लिए यहाँ पर पुलिस आई है, आप बात कर लीजिए। अच्छा, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। ओके, बाय। नमस्ते जी। नमस्ते सर। मेरा नाम प्रताप सिंह चौहान है। आप रामनाथ के बड़े भाई की बेटी हो ना? जी, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? देखिए, आधे घंटे पहले आपके चाचा का किसी ने मर्डर कर दिया है। सॉरी मैडम जी, उनके साथ रहने वाले और लोगों का भी मर्डर हुआ है, अगर उसके बारे में आपको कुछ पता चले तो हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। ठीक है सर। आप जरा संभल कर रहना, हमें पता चला है कि आपके चाचा के साथ उसकी दुश्मनी थी। ओके सर, श्योर। ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ सर। हाँ? एक मिनट सर। क्या हुआ? अगर वो मिल गया तो आप क्या करोगे? आप इसका टेंशन मत लीजिए मैडम, जिसने आपके चाचा का मर्डर किया है उसके एनकाउंटर का ऑर्डर हमें ऊपर से मिला है, मैं चलता हूँ। ओके। आओ चलो। हाँ सर। कीर्ति वो देखो, मैं ये सब नहीं चाहता हूँ, ये सब छोड़कर हम कहीं दूर चले जाते हैं, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। तुम मेरी कसम खाकर बोलो
कि आज के बाद किसी को नहीं मारोगे? हाँ तुम्हारी कसम, आज के बाद किसी को नहीं मारूंगा। किसका मैसेज आया है बिंडा? हमारा लास्ट टारगेट कौन है तुझे पता है क्या? कौन है जगी? तू है हा? शौक लगा क्या? तू हर बार फ्रेंड है कह के साइड में जाके जो मैसेज करता था ना, वो कौन है अभी मुझे क्लियर हो गया। जगी वो तूने दोस्त तो कमाए हैं, लेकिन दोस्ती कैसे बरकरार रखनी है ये नहीं पता। इसलिए मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे ऊपर पहुंचाऊंगा। वहां जाकर दोस्ती का मतलब क्या होता है ये समझ के आना। बिंडा ये सब तूने क्यों किया ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने उसको वचन दिया है। बचपन से तू मेरे साथ ही बड़ा हुआ है, मैं तुझे मार नहीं पाऊंगा। नमस्ते भाई। आ जा बिंडा। बताइए कैसे याद किया? तेरे से काम है मुझको। क्या है बोलिए ना भाई। तुझे सरकार को खत्म करना होगा। ये क्या बकवास कर रहा है? ओए! पहले तू मेरी बात ठीक से सुन ले पागल मत बन। मेरी बात मानेगा तो तू फायदे में रहेगा। मैं तुझे इतने पैसे दे रहा हूं कि तू 7 जन्मों तक नहीं कमा पाएगा। सरकार निकल गया है और उसके साथ जग्गी नहीं है, वो बुढ़ा सिनप्पा और वो पागल ज़ीब्रा उसके साथ में गया है। आप अपना काम आराम से पूरा कर सकते हैं। हेलो बोलना। रामनाथ जी, जग्गी का अगला टारगेट है शंकर। कब कहां कैसे ये अब नहीं बता सकता।
हम सबको किसने भेजा है? बोल 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 बे। नहीं मालूम। बिंडा बिंडा। काउंटर का ऑर्डर हमें ऊपर से मिला है। हम लोग कहाँ जाएंगे जग्गी? दोबारा क्यों पूछ रही हो? मैंने तुम्हें बताया था ना, अभी एक और बाकी है, उसको खत्म करके हम दोनों आसाम चले जाएंगे और वहीं पर सेटल हो जाएंगे। कहते हो कि एक आखिरी है, उसके बाद दूसरा आ जाता है और फिर तीसरा आ जाता है। ऐसे ही अगर तुम लाशें बिछाते रहे ना तो पुलिस वाले तुम्हें छोड़ेंगे क्या? अगर ऐसा है तो भैया को जिन्होंने मारा है उनको ऐसे ही छोड़ देंगे चलेगा क्या? नहीं जग्गी, मेरी बात सुनो, हम इन सबसे बहुत दूर चले जाएंगे, सादगी से जिएंगे। यहाँ तो पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है जग्गी, इसलिए यहाँ से जाना ही ठीक होगा। तुम्हें खोकर मैं फिर से अनाथ नहीं बनना चाहती। तुम्हारे ये सब समझ में नहीं आएगा, वो भगवान ये सब कुछ नहीं देखता। अगर देखता तो अब तक मैं जिंदा नहीं होता। बाबू कहाँ पर हो? ठीक है, जल्दी से सातवाड़ी फॉल्स आ जा। क्या कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? चलो वो गन मुझे दो। जग्गी, मैं तुम्हारे साथ अपना घर बसाना चाहती थी, लेकिन तुम्हें कोई और मारे ये देख नहीं पाऊंगी, इसीलिए। कीर्ति, मेरा बस एक ही सपना था कि मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताऊं। सॉरी जग्गी। बोल बिंडा। क्या अभी तक वो जग्गी नहीं मरा? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या बोल रहा है बे तू? सुन, देख चाहे कुछ भी हो जाए तुझे उसे मारना ही होगा। उसका निशाना परफेक्ट है यार, बिना गैप के उसने गोली चला दी। किसने मारा इसे समझ में नहीं आया क्या?
इस तरह निशाना लगाकर दिल पर मारने वाला सिर्फ एक ही मर्द हो सकता है। कौन? जंगल का खूंखार शेर जैगवार वापस आ गया है, अब शिकार करने में मजा आएगा। भैया, मैंने जिंदगी भर लोगों का दिल छलनी किया है और इस गिरती ने मेरे ही दिल को छलनी कर दिया। उड़ाया गया सर। सरकार, जेब्रा ठीक हो गया है। गुड न्यूज सरकार, आपने एंट्री जबरदस्त मारी है। हमारी एंट्री ऐसी है कि डर के मारे सामने वाले की आवाज बंद हो जाती है। सुपर सरकार। सरकार, एक और बात, कोटे वापस आ गया, उसका भी स्केच बनाओ, उठा लेते हैं। तो फिर पिंडा का क्या हुआ? पांच साल के बाद आने वाली सरकार इसकी नहीं है, जब तक ये है वो इसकी है।